कॉलेज तो पहले व्लॉग में क्या मिल गया। हेलो दुनिया वालों, मैं हूं गर्व और आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे व्लॉग चैनल में। सो अभी का टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 7:30 और आज है ट्यूसडे जुलाई 19। सो गाइस, आज ये मैं सबसे मेरा पहला व्लॉग है जो मुझे सही में पता नहीं मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, पर मैं शूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, मेरा नाम गर्व कदम है और मैं फैशन डिजाइन स्टूडेंट हूँ जो मैं INFD में कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। और अभी मैं रहता हूँ वडोदरा में, ठीक है। एग्जिट लोकेशन नहीं बता सकती, थोड़ी सी प्राइवेसी मेरी। और अभी मुझे जाना है कॉलेज, उसके लिए मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ। बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे उठने में और मुझे जानी है बस पकड़नी है, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको फटाफट से नहा के मिलता हूँ। सो गाइज, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा फाइनली। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत गंदी बारिश चल रही है। मैं आपको एक सेकंड दिखा दूँ। सो अभी बारिश चल रही है गाइज और मुझे पकड़नी है बस। और बस का जो ये सीन हुआ है गाइज, कम से कम 3-4 दिन से बस बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे बस के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर तक चलते जाना पड़ता है, फिर मुझे वहाँ पे आधा घंटे इतना रुकना पड़ता है, हाँ। और फिर जो बस आती है वो पूरी भरी हुई बस होती है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती, खड़े रह के जाना पड़ता है इतना दूर से। जो मेरे गेट के सामने जो बस रहती थी वो अभी तक पता नहीं 3-4 दिन से क्यों नहीं आई है। होप आज आ जाए, ठीक है गाइज। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गाइज आज बस आ जाए, क्योंकि आज बारिश है और मुझे बिल्कुल भी भीगते भीगते जाना नहीं है। और मैं फटाफट से उसके लिए पूजा कर लेता हूँ। पूजा करने के बाद आपको फटाफट से मिलता हूँ। फटाफट से अपनी पूजा कंप्लीट कर ले। पूजा कंप्लीट करने का जो मन को जो शांति मिलती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, अभी तक बारिश रुकी नहीं और मेरी बस है एग्जैक्टली 1 घंटे बाद, और मम्मी भी मुझे नाश्ता करने बुला रही है, तो मैं फटाफट से नाश्ता भी कर देता हूँ और फिर मेरे पास फ्री ऑफ टाइम ही है 1 घंटे तक। सो होप आज तो बस आ जानी चाहिए। सुबह का नाश्ता है चाय, हाँ हाँ ब्रेकफास्ट। सो गाइज, हमारा आज का ब्रेकफास्ट है चाय और बिस्किट। मैं कंप्लीट कर, इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। फटाफट से नाश्ता हो चुका है और ज़्यादा लेट हो गया है मुझे, 8:25 हो चुकी है और मेरी बस जो है 8:50 की। सो मैं फटाफट से अपने बैग ले लेता हूँ, ठीक है। और कम से कम मुझे एटलीस्ट टाइम हो चुका है, तो एग्जैक्टली 37, तो अब मुझे निकलना चाहिए। फटाफट से अपने बैग ले लेता हूँ, जो 2-3 काम थे मुझे फटाफट से कंप्लीट करने थे और अब निकलते हैं। सो गाइस, मुझे प्लीज़ गाइज, अगर जल्दी से, मुझे होप है कि बस ना छूटी हो। मुझे पहनने थे मेरे एग्जैक्टली न्यू जूते, बट वो है अभी गीले, इसलिए मुझे अपने पुराने जूते पहनने पड़ेंगे। सो फटाफट पहन लेते हैं। ये थोड़े से फटे हुए हैं बट टेम्पररी चलाने तो पड़ेंगे क्योंकि बारिश है। और मुझे फटाफट जूते पहन लिए, फटाफट से लिफ्ट बुला लिए जो लिफ्ट आ रही है, और मम्मी कर देता हूँ बाय बाय मॉम, जय गणेश। और हमें जाना है फटाफट बंद। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इशू रहेगा, मेरी बस ना छूटी। ओ गाइस, आपको मुझे दिखाना, आपको थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी वो मेरी बस है। फटाफट से आते हैं। हाँ हाँ, बस आ गई, बाय। तो गाइस, मम्मी ऊपर से हमको बाय कर रही है, फटाफट से बस पकड़ते हैं। सो हियर इज बस, बस पकड़ ली। और जो बाजू वाली जो मेरी सीट है वो पूरी गीली है, तो मैं वहाँ पे नहीं बैठ सकता। जा रहा बस। देखो गाइस, कॉलेज तो पहले व्लॉग में क्या मिल गया, फरारी। और ये जो मॉडल है मरनेलेक फरारी 430 क्यूडेरिया है, जो मुझे एक्चुअली नहीं पता है, पर फरारी है वो, फरारी है। मैं आपको लुक देता हूँ। भाई ओटी फरारी है यार ये, क्या ही तो इसका लुक है, एकदम चुम्मेश्वरी। फरारी को बाय बोलता हूँ, मुझे पहुँचना है कॉलेज और अभी हो चुके 9:30 और मेरा 10-10 बजे का कॉलेज है। तो कॉलेज के बिल्डिंग के पास तो हम एक्चुअली पहुँच चुके हैं। और गाइस, अब मुझे बताते रहो कि मैं जो पहला मेरा ब्लॉग है वो एकदम सही तरीके से जा भी रहा है या गलत हो जा रहा है।
ठीक है, मुझे शाइनेस तो फील नहीं हो रहा है, पर कभी कभी आ जा रही है शाइनेस। और आज का वेदर भी है भाई, आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। तो आज का वेदर कुछ इस टाइप का होके रखा यार, काफ़ी एकदम हल्की ठंडी सी हवा चल रही है, एकदम मस्त चल रही है, ऑफिस है। कॉलेज पहुँच चुका हूँ, लिफ्ट बीच में से ही बंद हो गई, पता नहीं क्या सीन है लिफ्ट का भी। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी कॉलेज ख़त्म हो गया है, और एक्चुअली मैंने ये बनाया था। अब इसको निकालते और फिर तो भैया गाड़ी निकाल रही है। हाँ चलो चलो भाई, हाँ जान 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 बस चल 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 यार नाटक बाय गाइस। गाड़ी हमारी चालू नहीं हो रही है।
गाइस तो अभी गाड़ी हमारी बंद पड़ चुकी है, इसलिए अभी हम के चल के जाना पड़ रहा है। देखो यार क्या हो गया हमारी गाड़ी को, चल के जा रहे हैं। क्या गाड़ी रिपेयर करा रहा है आप देख सकते हो, इधर वो ऑरेंज टी शर्ट वाला है ना, वो ये वो है भैया, काम करा रहा है, पता नहीं बंद पड़ जाएगी बात को। गाड़ी की बहुत गंदी बची पड़ी है, अरे क्या पता गाड़ी चालू होगी कि नहीं। उन्होंने वहाँ पे दे तो दी, वो बोल रहे कि आपको कल नेक्स्ट डे मिलेगी, और वैसे भी कल तो मुझे छुट्टी, तो कल मैं ही कलेक्ट कर लूँगा। और अभी दिशु को फटाफट सोसाइटी छोड़ रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, पता नहीं क्या हो रहा है। और अपना एक मैं आपको अपने फ्रेंड छोटे से फ्रेंड से मिलाने जाता हूँ, जिसका नाम है भाग रहा है भाई ये तो इसका इस बंदे का भी यूट्यूब चैनल है, बट इसको वीडियो अपलोड करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमको जाना है बाल कटाने, मेरे तो कटे हुए ही है, बहुत गंदे कटे इस बार, छोड़ो तो इसके कटाने, तो फटाफट दिशु को छोड़ दो और मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। बंदे की हेयर कट हो चुकी है, टकलू टकलू है, टकलू टकलू है भाई, ये टकलू हो चुका है, क्या वासी टकली टकली है भाई ये, इतने छोटे छोटे बाल कौन कराता है, नहीं मुझे बता इतने छोटे छोटे बाल कौन कराता है, एटलीस्ट उसको बाल काटे तो एटलीस्ट कैसा बोलता, एक नंबर मारे दो नंबर मारो, उसने जीरो नंबर मार दिया तेरे पे, और इसको पक्का कल स्कूल में सब लोग टकला टकला ही कहने वाला है, तो करा दे तो ऐसे कराने होते। मम्मी ने कहा है क्लीन शेव कौन कराता है, मम्मी ने कहा है, अरे यश आजा। गाइस अभी आपने चल के अपना अपना भाई बहन मिल चुका है फ्रेंड, क्या बाय तो है ये, हाय हाय हाय। मैंने ना एक्चुअली डेली व्लॉगिंग चालू कर दी आज, बस जॉब से छुट्टा हुआ अभी, अच्छा सबको फटाफट से मिलता हूँ। अभी मम्मी का कुछ ऐसा डिसीजन लग रहा है कि मम्मी को बनाना है केक, ओके तो हमने थोड़ा सा सामान ले लिया, जैसे कि मिल्क पाउडर ले लिया, जेम्स ले लिया, ब्रेड ले लिया, और भी थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स ले लिए, पता नहीं मम्मी को ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो मम्मी केक बनाने वाली है, तो फटाफट से घर जाते हैं और फिर देखते हैं। और इस टकलू को देख लो वापस, टकलू इसे एक्चुअली इसका नाम टकलू नहीं है, इसका नाम दर्शन है, ठीक है देखते केक खाने को तो पक्का मिलेगा कल या नहीं तो आज मिलते हैं। आप इंसान को देख रहे हो, हम बस गए थे बारिश में, देखना पड़ रहा है। देखो गाइस मेरी साइकिल काम में आ गई, ये इंसान बहुत ज्यादा गीले हो गए, मैं तो बच गया भाई, पूरी स्मार्ट वॉच सब गीला हो गया मेरा, अरे वाटर प्रूफ है, डुप्लीकेट नहीं है, वाटर प्रूफ वॉच है तो अभी टेंशन तो रहता है ना। बहुत गंदी बारिश चालू है यहाँ पे, सुबह से बारिश चालू है, फिर बंद होती है, चालू होती है, पता नहीं क्या सीन है इस बारिश का। हाँ अरिम का भाई है जो अभी खेल रहा है बॉटल से। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, गाइस अब मुझे फटाफट से घर पे जाके ये क्या करना अपने है? आप को सुखाना पड़ेगा, क्या करना सुखा के मिलता हूँ। नाउ टाइम इज 10 बज चुके हैं, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।